बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी है मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का डीन हूँ और उसके साथ साथ पाकिस्तान साइक्रोसाइटी के जनरल जे पी 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 एस का चीफ एडिटर हूँ आज मैं इस बात पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि जो कुदरती आफात जो आते हैं जैसे जजले और आजकल जो तूफान आए हुए हैं इस मौके पे किस तरह काम करने वाले कारकुन जो लोग हैं वो अपना ख्याल कैसे रखें ताकि उनकी वजह से उनकी कारदगी बरकरार रहे बल्कि बेहतर हो और सा, उसके साथ साथ वो खुद भी बीमार ना हो और उनकी कारकर्दगी से जो मुतासरीन है उनको भी फायदा हो तो सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जिला हमारे मुल्क में जो आ रहे हैं इसकी तो रोकथाम के लिए होना कुछ होना ही चाहिए हर इंफरादी तौर पर अगर हम अपने इर्द गिर्द के मे में दर लगाएं दर ना काटें और पोल्यूशन ना करें तो उससे भी जो देखते देखने में ये आया है कि अगर जंगलात की जो शरा है वो कम हो जाए तो उससे जजले तूफान और भी आते हैं और मौसम भी बदलते हैं तो लहजा हमें इनफरादी तौर तो पर चाहिए कि इन पौधों को जंगलात को अपना दोष समझें और उसको फ्रो में अपना भरपूर हिस्सा डालें अब हम जब डिज़ास्टर के मौके पे जब देखते हैं ख़ास पर टी वी पे या दूसरे जो जरा ब्लाग हैं उसमें देखते हैं हम और फिर जो कारकुन जो ख़ुद वहाँ जाके रेस्क्यू वर्कर जो वहाँ के लोग वो उठाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे मंजर आते हैं कि वो दिल हिलने लगता है और कितनी भी आसाबी क़ुत का बहुत ही कवि शख्स भी उससे मुतासर होता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि इससे अगर आपको घबराहट हो या बेचैनी हो या उस मंजर बार बार में आए तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए ये नॉर्मल फिनामिना है थोड़ा बहुत हम सबको होता है जब हम इंसानियत की वजह से जब हम कुत्ता बिल्ली को भी मरते हुए देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है इंसान तो अशरफुलमखलूक है तो उसको जब हम ऐसे हालात में देखते हैं कि सामने डूब रहा है और मैं उसमें उसको बचा नहीं पा रहा हूं तो उसकी रिएक्शन में जो है हमें घबराहट बेचैनी उदासी और फ्रस्ट्रेशन होती है ये एक फिनामिना है जो कि एक नॉर्मल शख्स को हो सकती है उसमें ये ना समझना चाहिए कि मैं कोई पागल हो गया या मैं कुछ ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से मुझे रुझू नहीं करना चाहिए तो पहले बात तो ये है कि बगैर किसी मालिज के अगर हम अपने आप को आ, किस तरीके से इनफरादी तौर पर कुछ करें तो हम बड़े बीमार नफसियाती मसाइल से हम बच सकते हैं और अगर कोई नफसियाती मसला हो गया तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है और उसमें पहल करना चाहिए कि किसी भी नफसयाती मौल से रुजू करें या अगर वो नहीं है अवेलेबल तो अपने साथियों से उसका इजहार करें और आ, उसकी जितनी आ, हम तस्करा करते हैं तो वो उसका इम्पेक्ट कम होता है जैसे किसी को आप दस बार एक लीफा सुनाएं तो उसका असर अच्छा खत्म आप दस बार एक किसी को गाना सुनाएं या एक आठ दस बार किसी को वही डिश खिलाएं तो उससे उसका इम्पेक्ट कम हो जाता है तो इसके लिए मैं जरूरी समझता हूँ कि अपना ख्याल रखें क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे पहले तो फिर जो है दूसरों का ख्याल रख पाएंगे इस तरह पी में या किसी जहाज के सफर पर वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हवा का दबाव कम हो तो पहले अपने आप को लगाना है ताकि अगर बच्चों को लगाते लगाते ऑक्सीजन कम हो गया तो आप बेहोश हो जाएंगे तो न खुद को बचा पाएंगे न दूसरे को बचा पाएंगे इसी तरह से ये डिजास्टर के मौके पर या तूफान और कुदरती आफात है इस मौके पर अगर हम अपने आप को भूल जाए और सिर्फ ये करें कि जो मुतासरीन है उसमें लगे रहें हैं तो उससे फिर ये देर पर असर भी नहीं होगा और इसे हम भी डैमेज होते हैं जिसमें कई चीज़ें हैं जिसको बर्न आउट फिनामना कहते हैं जिसमें शदीद जहनी दबाव का शिकार होकर और इंसान उसमें वक्ती तौर तो पर नाकारा हो जाता है तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि एक तो ये है कि अपनी नीयत साफ हो इसमें अपनी सोच रवैये और जज्बात को काबू में रखना है और एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी अः साथ बहुत ज्यादा शरीर चोट लगी है या वो ऐसे शदीद तरीन मुश मुश्किल में है तो उस में जो हम कहते हैं कि ओहो क्या हुआ क्या इस तरह से बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार नहीं होना चाहिए और वहाँ जो हम कहते हैं चू चू करते हैं ये ऐसे नहीं करना चाहिए ताकि और खासतौर पर जो लोग ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह तला का अजाब है ये है इसके भी हमें इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि अगर अजाब आना है ठीक है तो वो फिर उन लोगों पर आना चाहिए जो कि जिन्होंने मुल्क को लूटा करप्शन की और बहुत बड़े जुर्म किए हैं पहले उन पर आना चाहिए या गरीब लोगों पर तो लिहाजा इस पर हमें ये ज़रूर है कि हमारे अमाल जो हैं इसकी वजूहत हो सकती हैं कि हमारे ऊपर ऐसे हुकुमर ऐसे तूफान जज्जे आएँ जिससे हो तो लिहाजा इंफरादी तौर पर अज्तमाही तौर पर हमें अपने जो अकीदे की रोशनी में और साथ साथ जो है इस्परिचुअली अपना काम को जारी रखना चाहिए और इबादत को भी करना चाहिए तो सबसे पहले तो अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना है जहनी सेहत से मुराद है कि आप जब हम स्ट्रेस में होते हैं परेशान होते हैं या डिजास्टर में बहुत सारे जो में उलझे होते हैं तो ना हम खाने का ख्याल ना पीने का ख्याल ना वर्जिश का ख्याल ना अपने सोने का ख्याल और ना गा का ख्याल इसमें सबसे पहली बात यह कि अपनी जिसमानी सेहत का ख्याल रखें कि आपको चोट लगी है तो उसको भी ख्याल रखना है और मुतवाजन गज़ा वक्त पे सोना उठना वर्जिश इबादत इक्का दुक्का बार अगर बहुत ऐसा मसला हो तो फिर तो ठीक है लेकिन मुसलसल कई दिन तक ना सोना या खाने पीने का ख्याल न रखना या एक्सरसाइज न करना और इसी तरह अपने आराम का ख्याल न रखना वर्जिश न करना ये इस को गंभीर बना देता है दूसरी तो बात यह है कि तो अपनी जिसमानी सेहत के साथ अपनी जज्बाती सेहत का ख्याल रखें कि अगर आप परेशान हैं तो उसको एक्सप्रेस करें और इस तरह से जो है अपने दो तो साथी के साथ अगर खुद अपना शेयर करें अगर वो मसला मसाइल का शिकार है तो उसकी बात सुने और इसके साथ साथ समाजी तौर तो पर दूसरे तो के साथ जो है मस्बत तालुक बरकरार रखना यानी एक दूसरे का ख्याल रखना कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर जो मुताशरीन है उसके साथ साथ अपने को का भी ख्याल रखें और देखें कि एक बंदा जो तो मुसलसल काम कर रहा है उसको अगर खुद अंदाजा नहीं है तो हम उसको बता दें कि भई आपने बहुत देर से सोए नहीं हो या बहुत देर से आपने पानी नहीं पिया या खाना नहीं खाया आप आराम कर लें होता ये कि कंप्यूटर में तो खुद पता चल जाता है हमें कि मैं कितने घंटे तक मैंने ये स्क्रीनिंग की लेकिन इंसान जब उसमें अः ऐसे कामों में उलझा होता है जिसमें बहुत ज्यादा हम जज्बाती हो जाते हैं फिर ये भूल जाते हैं कि कितनी देर से मैंने खाना नहीं खाया पानी नहीं पिया या मैंने अपने आराम का ख्याल नहीं रखा या वर्जिश नहीं की तो ये जरूरी है कि हम एक दूसरे को यादहानी कराएं और अपने अलावा अपने साथियों का ख्याल करें दूसरी उसके साथ साथ ये है कि हम इबादत का भी एहतमाम करें कि काम के साथ साथ इबादत से लुत्फानंदोज हों उससे रिलैक्सेशन होती है और उसके साथ साथ हमें चाहिए कि वर्जिश का ख्याल करें जब हम एक्सरसाइज करते हैं वॉक करते हैं चाहे कंबाइन हो या खड़े हो के एक छोटी सी जगह में भी हाथ पैर उनकी वर्जिश करें तो उससे क्या होता है एनडोर्फिन और बी डी एन एफ ब्रेन रिलीज होते हैं जो कि जिसम से दर्द भी बकाते हैं जिसम को रखते हैं तो यादाश को, या को बरकरार रखते हैं और गलत फैसले हम नहीं कर पाते अगर बी डी एन एफ और ये कम हो सर तो हम गलत फैसले करके दूसरे को बचाने की खातर खुद चान पे खेल जाते हैं जो कि मुनासिब नहीं होता और इसके साथ साथ एक दूसरे से खुश खुशसलूबी से पेश आए क्योंकि जो भी एक दूसरे का है उसको जो मुतासरीन है उनको तो आपने अच्छे आदाब के साथ सी है जो बच्चों को बच्च, शफकत के साथ बड़ों के अदब के साथ लेकिन अपने साथियों का भी बड़ा ख्याल रखना उसके भी वोकबाद के बड़े नंबर हैं आखिरत के हिसाब से और मस्बत सोच रखें कि नहीं मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ पौधे लगाना मेरा काम है बीज लगाना मेरा काम है और फल फल उगाना फल फूल उगाना अल्लाह का काम है तो मैं अपने हिसे का जो है वो काम करूंगा और सारी चीजों पे नहीं ठीक कर सकता है। जैसे अगर आप देखें कि अः कराम या दीगर लोगों ने भी सौ फीसद रिजल्ट नहीं निकाले सौ फीसद अल्लाह की जात है हम ये नहीं कहना चाहते कह सकते कि मैंने पूरे इस मोहल्ले को या पूरे इस गांव को नहीं बचा सका भाई ठीक है अगर आपने थोड़ी सी क्योंकि एक इंसान की जिंदगी बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई है लिहाजा मस्बत सोच रखें और देखें कि मैंने कितना अपना ख्याल अपने साथियों का और मुतासरी का ख्याल रखना है क्योंकि जहनी तौर तो पर अगर आप आसूदा होंगे खुशहाल होंगे तो उम्मीद है उससे आपकी कारकर्दगी भी बढ़ेगी और आप काम से बर्न आउट होता है जिसकी वजह से जहनी मसायल का शिकार होते हैं इसमें डिप्रेशन होते हैं और उसमें खुद हादसे का शिकार होते हैं देखा यह गया है कि अगर हम बहुत परेशान हो चाहे डिजास्टर के मौके पर हों या ना तो हो तो होम इन राही नाम के दो लोग थे उन्होंने उन्नीस सौ सतासठ में यह निकाला था कि हमारे स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है दो सौ से ज्यादा तो उससे फिर यह होता है कि हम जिसमानी या नफसियाती बीमारी का शिकार होते हैं गलत फैसले करते हैं खाना पकाते हुए या चूल्हा जलाते हुए ये नहीं अंदाजा होता कि मैंने जो है किस वक्त क्या करना है अगर उसने चूल्हा ऑन किया और थोड़ी देर बाद सोच में पड़ गया और जैसी माचे जलाएगा तो खुद जल जाएगा तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस मौके को ये समझ लें कि इसको अपनी जिम्मेदारी ये समझें कि अपना ख्याल अपने साथियों का ख्याल और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है जो शौक से वलवले के साथ अगर जिम्मेदारी दी गई है या आप वॉल्टियर हैं तो उस काम को आप इबादत समझ कर करेंगे जैसे इबादत में हम नहीं थकते तो इसमें भी हम नहीं थकेंगे और फिर मैं वही कहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल जिसमानी और नफस्याती और समाजी जो है उसका और इंटेलक्चुअल और साथ में जो है रूहानी सेहत का ख्याल इस तरह से रखें कि वक्त पे सोएं वक्त पे उठें वर्जिश करें इबादत करें और प्रोलॉन्ग काम करने कभी कभार तो ठीक है लेकिन मुसलसल हफ्तों या नहीं होना चाहिए और एक दूसरे को रिप्लेस करें तो उससे उम्मीद है कि अल्लाह भी मदद करेगा और हम भी एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जो आजकल जो मुसीबत हो आई हुई है उससे अल्लाह हमें हमारी क़ौम को और हमारे जो मुतासरीन उन सब तहफुज दे और हम खुदा करे कि इस डिजास्टर के मौके पे या इस फ्लड के मौके पे तूफान जो आए हैं इनसे हम हमें अल्लाह ताला तहफ़ दे और हम सुर्ख रूप के इस कौम में इस पाकिस्तानी कौम के लोगों में फराग दिली से दूसरे मदद करने का जज्बा है और देखा ये कि बहुत सारे लोग जो है कुछ करना चाहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होते उसमें भी कोशिश करें एक चीज में ये है कि बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपको कुछ देना चाहते हैं कंबाइनली उसकी एक लिस्ट बनाई जाए कि ये दवाई इसमें पड़ी है ये पड़ी है किस कोने पर है कपड़े पड़े हैं तो किस रंग के हैं किस उम्र के हिसाब से हैं ताकि ऑर्गेनाइज हो के हम चीजें ये नहीं है कि पिछली बार जब वो जजले आए थे तो एक दवाई को ढूंढ रहे हैं सेप्टॉन को तो पूरे काटन काटन उठाए जा रहे थे खोले जा रहे थे तो लिहाजा अपना सामान और दीगर लोगों का जो सामान उसके लिए है उसको ऑर्गेनाइज अंदाज में लिस्टें बना के करें एक अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लड के मौके पे लोग जब बैठ जाते हैं उस इस इंतजार में होते हैं कि अल्लाह ताला कुछ करेगा अल्लाह ताला तो कुछ करेगा ही क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा हम कुछ कुछ करेंगे तो फिर होगा और उस इंतजार में होते हैं कि बस हमें खाना पीना शेल्टर मिले हम ये चाहेंगे कि ऐसे मौके पे जो लोग रेस्क्यू हो चुके हैं या जो लोग बच चुके हैं उनको फिर फार नहीं बैठना चाहिए उसको क्योंकि वर्क इज वर्शिप वर्क इज हिलाल इबादत भी है काम करना इबादत भी है और इलाज भी है तो उसको फिर इस तरह से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि जो लोग अगर सौ पचास लोग या दस बीस लोग हैं उनमें से खाना कौन बना सकता है सफाई कौन सा कर सकता है पानी कौन पिला सकता है पानी भर कौन सकता है इसी तरह से जो है वो आ, आ, उसको देखा जाए कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो के उनको एक नए सेटअप के साथ जिस तरह से एक फैक्ट्री में लोग फिट होते हैं इस तरह उनको एक गांव में एक दूसरे के लिए ऐसा सिस्टम हो कि मैं इस मौके पे क्या दे सकता हूँ क्या ले सकता हूँ तो ठीक है लेकिन क्या मैं दे सकता हूँ और क्योंकि उसका अजर भी ज्यादा मिलेगा और उसकी वजह से हम सुरख भी होंगे और बहुत सारे जो अभी हमारे वसाइल कम हैं मसायल ज्यादा हैं तो उसमें फिर उसको जो आ, कमी नहीं होगी और ये देखा जाए कि कोशिश हो के आ, अगर किसी जगह पे किसी चीज की जरूरत है इसमें एक फार्मूला है जो थ्री एल है के लुक यानी एक जगह को देखें जायजा लें लिसन उस बंदी की बात सुने और आ, कि लिंक लिंक कर दो मिसाल के तौर तो पर आपका साथी या कोई मुतासर है जो फ्लड से सबसे पहले उसका जायजा लें कि उसमें गिरे वो गिरे नहीं चोट न लगे तहफ़ में हो फिर उसकी बात सुने कि क्या मसले है, मसाइल हैं और फिर लिंक कर दें फोन से मिला दें मिसाल के तौर तो पर साथी को परेशानी है तो उसको घर वालों से बात कराएगी या अगर एक मुतासर बंदा है उसको चाहिए कि मैं अपने खानदान के किसी बंदे से बात करूं तो उसको टेलीफोन आजकल मोबाइल सिस्टम है या उसके पैगाम लिखा के उसका तस्वीर लेके बाद में उसको भेज सकते हैं व्हाट्सएप आजकल सबों के पास है और तो इस तरीके से हम इन जो अल्लाह जो बहुत सारा जो मसायल हमारे ऊपर आए हैं जो है कि हम इससे हम सबित इस से इसको टैकल करें और ये भी सोचें कि आप अगर इसमें वॉल्टरली जान दे रहे हैं या ड्यूटी के अंजाम दे रहे हैं दोनों सूरतों में जो है आपने अपना ख्याल भी रखना है और दूसरों का भी और इस काम को इबादत समझ कर करना है आइए हम मिलकर इन मसाइल को समझें और उसमें अपना आप हिस्सा डालें और इस आफत को जो हम शिकस्त दें या अच्छी तरह से टैकल करें बहुत शुक्रिया और आखिर में इस दुआ के साथ के अल्लाह ताला हमें हमारे साथियों को और हमारे मुल्क को इस कुदरती और दीगर जो मेन में, में डिज़ास्टर हैं उनसे बचाए साल खेर खल किए जो शुक्रिया आपका